अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. सो बेसिकली आई केम बैक टू माय वर्क प्लेस आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 10 और मे बी 15 डेज, आई डोंट रिमेंबर नाउ. जस्ट वन मिनट. ओके गाइस, सो मैं बता रही थी कि मैं बहुत दिनों बाद अपनी वर्क प्लेस पर आई हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और इस कदर शदीद सर्दी पड़ रही है. यू गाइस कैन चेक, अभी इतनी स्मोक और फॉग नहीं है लेकिन बहुत सर्दी पड़ रही है. लिटरली मैं इस वक्त, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं और बिल्कुल दिल नहीं करता था छत पर आने का कि कोई काम करे बंदा आकर और वीडियोज़ बनाए. सो बस इसलिए जो है वो मैं नहीं आ सकी. और दूसरा ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ न्यू ईयर 2024 एज़ यू ऑल नो, और आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइव्स. आमीन सुमामीन. एंड स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा, फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, अल्लाह ताला उनकी सब मुश्किलात दूर करे और उन पे जितने भी जुल्म हो रहे हैं उन सबको ख़त्म करे और उन मुसलमानों की मदद करे और हमें भी तौफीक दे कि हम एज़ अ नेशन उनके लिए कुछ कर सकें. सो बस यही दुआ है कि ये एक पीसफुल ईयर हो और इस आने वाले जितने साल हैं वो सब पीसफुल हों, स्पेशली फ़लस्तीन के लिए. सो मैं अभी देख रही थी कि मेरे टेक्सचर्स के साथ अच्छी खासी तबाही हुई हुई है, ठीक है. लाइक यहाँ पर देखें, ये देखें बिल्लियों के काम. और मुझे अब इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ रहा है बिल्लियों पर. पता नहीं कौन सी बिल्लियाँ जो आकर जो है ना ये काम करती हैं. अब ये देखें यहाँ पे, अब मैं क्या आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन मेरे टेक्सचर्स की ना अच्छी खासी हालत ख़राब हुई है. लाइक अब ये पूरा पार्ट जो है ना मुझे वेस्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है. और ऐसे ही है कि जैसे ही बिल्लियाँ देखती हैं कि कोई भी लाइक टेक्सचर इस तरह से पड़ा हो तो वो ख़राब कर देती है. लाइक ये एक एरिया जो मैंने इनके लिए रखा हुआ था कि यहाँ पर गंद मचाएं, लेकिन वहाँ पर गंद मचाने के बाद, वहाँ पर गंद मचाने के बाद अब ये, और यहाँ भी लाइक छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और अब ये मेरे टेक्सचर्स के साथ लग गई हैं और अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है इन पर. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये रिस्क मैंने खुद ही लिया था. सो अब सीन ये है कि मुझे एक तो इसमें से ये इतना पूरा टेक्सचर वेस्ट करना होगा और उसके अलावा ये वाले टेक्सचर के साथ भी तबाही मची है. आई ऑल्सो हैव टू वेस्ट दिस होल टेक्सचर, क्योंकि नॉट होल लाइक इतना एरिया नहीं, लेकिन ये जो एरिया है ना ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा. और शायद यहाँ भी कोई, ये देखें आप निशान देखें बिल्लियों के पाँव के, यहाँ पे भी कुछ हुआ हुआ शायद. ये तो बहुत लंबा फॉर्म अब मुझे पड़ गया है और ये मुझे किसी दिन स्पेशली आकर यही सब करना पड़ेगा ठीक. और यहाँ पे भी शायद, पता नहीं. और ये देखें यहाँ पर भी जो है वो करने की कुछ कोशिश की गई है. मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो शीट्स ले आऊँ जल्दी से और इन सब टेक्सचर्स को कवर कर दूँ. एक तो ये टेक्सचर्स कोई एक मंथ से जो है वो ड्राई हो रहे हैं और आई नो ये फुली ड्राई हैं, लेकिन इनकी वीडियोस ही नहीं बन पा रही, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और टाइम हो भी तो दिल नहीं करता आने का छत पे, टू बी ऑनेस्ट. और उसके अलावा क्या कहना था, एक तो मेरे दिमाग में सब बहुत सारी चीज़ें चली क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मैं कहीं जाने वाली थी लाइक शॉपिंग पे मुझे जाना था और मैं बिल्कुल रेडी थी ठीक है, और मैं बस निकलने वाली थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जल्दी से एक ज़रा नज़र मार कर आऊँ ऊपर. और लेकिन इंशाल्लाह शीट्स लेकर आऊँगी और इनको कवर कर देंगे. और हाँ मैं सोच रही थी कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश भी नहीं हुई और ये टेक्सचर्स बच गए, लेकिन कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो इसलिए मुझे इन टेक्सचर्स को भी जो है ना
बहुत जल्द से जल्द लाइक सेव करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक टेक्सचर है ये, यस इट्स प्योर डर्ट, आई थिंक ग्रिटी डर्ट। सो वर्क प्लेस की हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन चलें अभी आके किसी दिन ठीक करते हैं। और लेट्स डू सम क्रम्बलिंग, थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था मेरा क्रम्बलिंग करने का। वैसे तो बहुत दिनों से क्रम्बलिंग नहीं की, और अब कुछ करते हैं। ओके गाइस, सो अजान हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। और ये देखें, ये इतने टेक्सचर्स मुझे वेस्ट करने पड़े हैं। मैंने यहाँ से सारा एरिया क्लीन करके इन टेक्सचर्स को यहाँ पे साइड पे किया, और लेट्स होप कि अब बिल्लियाँ यहाँ पर गंद मचाएं और इन टेक्सचर्स पे नहीं। लेकिन बिल्लियों को क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सो लेट्स डू सम क्रम्बलिंग, उसके बाद मैं ये व्लॉग एंड करूँ। और थैंक गॉड कि इस टेक्सचर को कुछ नहीं किया किसी ने। लेट्स क्रम्बल। इस वक्त हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। और सबसे पहले भी आ गए हैं बाहर, आई थिंक पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे शोर में भी ना व्लॉग नहीं बनाया जाता। लाइक मुझे होता है कि खामोशी हो जाए फिर मैं क्रम्बलिंग करूँ कुछ। ट्राई हैं लेकिन बस वीडियोस नहीं बन पा रही इनकी। और मैंने अभी आगे ना किसी दिन व्लॉग में ही सारे क्रम्बल कर देने हैं, क्योंकि ना बस अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। आप लोग भी तंग आ गए होंगे कि मैं हर व्लॉग में आपको ये टेक्सचर्स दिखाती हूँ लेकिन इनको क्रम्बल ही नहीं करती, वीडियोस ही नहीं बनती हैं। आई थिंक दैट्स फॉर दिस टेक्सचर, किसी और की करते हैं, रेड टेक्सचर की करते हैं। इसे भी मैंने साफ़ किया था यहाँ से, शुक्र है इस पर कोई ख़ास गंद नहीं मचा हुआ था। स्क्रम्बल दिस।
चलें थोड़ी सी वाटर क्रम्बलिंग करते हैं। मैंने सोचा कि ड्राई की तो बिल्लियों ने शायद दोबारा कोई कार्रवाई डाल दें, इसलिए बेहतर है कि वाटर क्रम्बलिंग करते हैं ताकि वो गीली जगह पे नहीं आएंगी। I really love this crunchy layer. ये टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, खुद ही क्रम्बल हो गया। मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं इस वक्त। मुझे किसी ने कहा था कि आप इतनी थोड़ी क्रम्बलिंग क्यों करती हैं कंजूसी से। सो यार मैं ना अकेली काम करती हूँ, लाइक मेरे साथ कोई भी हेल्पर नहीं है और मुझे खुद ही टेक्सचर्स बनाने होते हैं, खुद ही वीडियोस बनानी पड़ती हैं, खुद ही व्लॉग करना पड़ता है। सो मुझे बहुत केयरफुल रहकर, लाइक मेरा भी दिल करता है कि मैं क्रम्बलिंग करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सीन ये है कि मुझे फिर अगर मैं क्रम्बलिंग ज़्यादा कर दूँगी तो वीडियोस के लिए जो है वो टेक्सचर नहीं बचेगा और टेक्सचर्स की क्वांटिटी भी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास। लाइक मेरे लिए इतनी क्वांटिटी के टेक्सचर्स काफ़ी रहते हैं और अभी इसमें से भी देखें मैंने कुछ जो है वो वेस्ट कर दिया है। सो व्लॉग में अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग कर दूँगी तो वो फिर वीडियोस के लिए जो है ना मुझे दोबारा से टेक्सचर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन डोंट वरी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा क्रम्बलिंग हो। सो गाइज़ मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि व्लॉग में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रम्बलिंग हो और वीडियोज़ तो आई थिंक वीडियोज़ तो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, जिस तरह का वेदर है और जिस तरह की रूटीन है तो वीडियोज़ के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा ना टाइम। लाइक मैंने 1 month से आई थिंक कोई वीडियोज़ नहीं फिल्म की, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रम्बलिंग करूँ और व्लॉग में ही जो है वो शेप्स वगैरह बना दिया करूँगी ताकि नेक्स्ट जब आऊँ तो वो शेप्स ट्राई हुआ करें, क्योंकि मेरा चक्कर भी एक तो बड़ी देर बाद लगता है, मुश्किल से लगता है। सो मैं अब से जो है ना व्लॉग में ज़्यादा क्रम्बलिंग किया करूँगी इंशाल्लाह। और क्या कहना था, एक तो मैं भूल जाती हूँ बार बार, खैर
मैं 10 मिनट का कह कर आई थी ऊपर और मैं कोई 20 मिनट से ऊपर ही हूँ और नीचे मामा वेट कर रही होंगी, लेकिन बस व्लॉग जो है वो एंड करने का दिल नहीं कर रहा। मज़ा भी आ रहा है क्रमलिंग में, ठंड भी लग रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। और इतने दिनों बाद इतना तो बनता है। एक तो सर्दियों में ना ये कंक्रीट बहुत ज़्यादा लगता है हाथों में, जितने भी कंक्रीट हैं ये ग्रीडी टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा हाथों में लगते हैं। मैं गोला इस्तेमाल का व्लॉग देख रही थी तो वो भी ये चीज़ बता रही थी कि कंक्रीट बहुत ज़्यादा लगता है, तो वाकई सब ASMR आर्टिस्ट से रिलेट कर सकती हैं कि बहुत ज़्यादा लगता है ये कंक्रीट। और बहुत सारी बातें अभी इस वक्त जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि चुप करके क्रम्बलिंग करूँ। मैं पिछले दिनों व्लॉग्स देख रही थी खोला इस्तेमाल के, तो उनकी छत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं सोचा था कि मैं उनके लिए व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन उन दिनों मैं एक्चुअली ज़रा बिज़ी थी और घर पे भी नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी उनके लिए। लेकिन मुझे लिटरली मुझे बहुत शदीद दुख हुआ था कि यार मतलब इतनी प्यारी छत। तो खैर मैं बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और बस, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली हैं माशाल्लाह, उन्होंने फिर से सारा लाइक ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। और बस इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, मेरी छत के साथ इस तरह हो तो पता नहीं मैं क्या करूँ। लाइक मेरे टेक्सचर्स के साथ कोई उठा के इस तरह से उनको ख़राब करे, मैं तो अपने बहन भाइयों को भी हाथ नहीं लगाने देती। आपने देखा होगा कि कभी कोई मेरे साथ छत पे नहीं होता, क्योंकि मैं आने ही नहीं देती किसी को, मैं कहती हूँ नहीं किसी ने नहीं आना। तो सल्यूट टू हर एंड हर स्टूडेंट्स जो कि इतनी मेहनत करती हैं माशाल्लाह। और मैं सोच रही थी कि इसकी थोड़ी सी वाटर क्रम्बलिंग भी कर लूँ, क्योंकि मेरा वाटर क्रम्बलिंग करने का दिल कर रहा है आज। और तो पानी बहुत ठंडा है, लेकिन चलें इतने दिनों से टेक्सचर्स को हाथ में लगाया था तो हाथ भी ठीक हो गए थे, और अब जो है वो फिर से हाथों का जो है ना। और एक चीज़ है जो कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लाइक एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट नहीं है, कुछ ASMR आर्टिस्ट करती हैं वो चीज़, लेकिन मैं आई थिंक वो फर्स्ट टाइम करूँगी। सो
एक छोटा सा व्लॉग बनाना था लेकिन मेरा व्लॉग अच्छा खासा लंबा हो चुका है। अच्छा खैर, मैं बता रही थी कि मैं एक डिफरेंट चीज़ लाने वाली हूँ व्लॉग्स के अंदर और वीडियोस के अंदर। अगर तो मैंने वीडियोस बनाई तो मैं एक डिफरेंट चीज़ लाने वाली हूँ। और अभी मुझे कोई छत से देख रहा है। खैर, मैं बात जो है ना वो बीच में छोड़ देती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं। और खैर, वो जो मैं करूँगी व्लॉग के अंदर, आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं वो चीज़ जो है वो लाजमी करूँगी, उस चीज़ के साथ आऊँगी। अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी वरना मैं ले आती। सो आप लोगों ने गेस करना है कि वो क्या चीज़ है जो मैं अपने व्लॉग में डिफरेंट करने वाली हूँ। क्रम्बलिंग से रिलेटेड है, सो क्रम्बलिंग स्टाइल भी आप कह सकते हैं। तो मैं वो चीज़ नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, और उसके साथ करेंगे क्रम्बलिंग। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को वो पसंद है या नहीं और अच्छी लग रही है या नहीं। और अगर अच्छी लगी तो उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर ना भी अच्छी लगी तो मुझे उसके साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी रीज़न भी आपको बताऊँगी उस व्लॉग में ही। सो अब अजानें हो रही हैं दोबारा से, तो आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग राइट हेयर। और आई एम गोना ब्रिंग दैट थिंग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, विच आई एम गोना यूज इन माई व्लॉग्स एंड वीडियोज। सो इफ़ यू गाइज लाइक दैट थिंग, आई विल कैरी ऑन विद दैट फॉर फ्यू वीक्स मे बी और लाइक मंथ्स, बट लेट्स सी इफ यू गाइज लाइक इट और नॉट। It's a little change, but let's see. So yeah, guys, I'm just gonna end here. Thank you so much for watching, and I'm getting late also. So thank you so much for watching this vlog. Let me know if you liked it or not, and inshallah, meet you guys in the next one. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.